इंडियन क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर पर अब एक बायोग्राफिकल फिल्म बनकर है तैयार, जो 26 मई को रिलीज हो रही है। रिलीज से पहले मुंबई में रखा गया फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर, जहां क्रिकेटर्स से लेकर बॉलीवुड स्टार्स ने लगाई रौनक। इवेंट की सारी हाईलाइट आपके लिए, डालिए एक नजर। बॉलीवुड के ये ए-लिस्टर्स किसी मैरिज पार्टी या किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं, बल्कि पहुंचे हैं सचिन की फिल्म के प्रीमियर पर। प्रीमियर का ऐसा नजारा मुश्किल से ही देखने को मिलता है, लेकिन बॉलीवुड रिपोर्टर का तो काम ही है आप तक स्टार्स की हर हलचल पहुंचाना। ऐसे में सचिन का ये ग्रैंड प्रीमियर हम कैसे आपसे दूर रखते। जी हाँ, वेंसडे नाइट मुंबई में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की लाइफ पर बनी बायोग्राफिकल फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स का प्रीमियर रखा गया, जहां पहले तो दिन में तकरीबन 3:30 बजे फिल्म को इंडियन क्रिकेट टीम को दिखाया गया। उसके बाद शाम को बॉलीवुड स्टार्स के लिए रखा गया फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर। इंडियन क्रिकेट टीम से जहां कैप्टन विराट कोहली ने तो ये फिल्म देखी ही, उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा ने भी सचिन की फिल्म की स्क्रीनिंग अटेंड की। जबकि बॉलीवुड स्टार्स के लिए इस फिल्म की खास स्क्रीनिंग शाम को रखी गई थी, लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार छुपाए नहीं छुपता। तभी तो देखिए ना, उन्होंने विराट और उनके फ्रेंड्स के साथ मिलकर इस फिल्म का मजा दिन में ही ले लिया। इतना ही नहीं, अनुष्का और विराट दुनिया की फिक्र किए बगैर पूरे प्रीमियर के दौरान डाले हाथों में हाथ घूमते रहे। ना मीडिया की परवाह और ना फैंस के सवालों का डर, कुछ ऐसा है बॉलीवुड का ये रोमांटिक कपल। वैसे इनके अलावा और भी स्टार्स थे जिनको बॉलीवुड रिपोर्टर ने किया कैप्चर। ट्रेडिशनल अवतार और स्पोर्ट्स अंदाज में सजे स्टार्स का काफिला आता रहा और उसे हम आपके लिए कैप्चर करते रहे। एक स्टार से कैमरा हटता तो दूसरे पर आकर टिक जाता। कौन नहीं था यहाँ, सचिन खुद अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ नजर आए। अमिताभ यहाँ सचिन से टकराए और फिर दो बातें की। ब्लैक साड़ी में सजी ऐश्वर्या राय बच्चन का जादू बिखर रहा था, तो राब्ता कपल सुशांत और कृति इस प्रीमियर में 4 चांद लगा रहे थे, जिन्होंने सचिन के बारे में बात की। आई थिंक ही इज समवन हु हैज इंस्पायर्ड द होल कंट्री एंड ऑल ऑफ अस आर ह्यूज फैंस एंड इट्स गोना बी ग्रेट टू वॉच हिज जर्नी वंस अगेन। कहानी अलग है और कहानी में इतना दम है कि बिलियंस ऑफ इंडियंस को बहुत सालों तक इन्होंने इंस्पायर किया है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बार बार पूछता था स्कूल से आके, वो ये था कि सचिन आउट तो नहीं हुआ। शाहरुख खान भी इस प्रीमियर में आए तो फैंस की हूटिंग और बढ़ गई और शाहरुख ने भी अपने फैंस के साथ सेल्फी ले ली। फिर इसके बाद शाहरुख ने सचिन पर बात की। आई हैव सीन हिम इन हिज अप्स, आई हैव सीन हिम इन हिज डाउन्स, आई हैव हर्ड पीपल टॉक अबाउट हिज फॉर्म एंड जेन्युइनली ही इज ऑलवेज केप्ट क्वाइट, ऑलवेज लेट हिज गेम डू द टॉकिंग। So I like the quiet resolution and the resolve. आमिर खान भी इस ग्रैंड प्रीमियर की रौनक बढ़ाने पहुंचे, जहां सबसे पहले तो उन्होंने अपनी फिल्म दंगल की, जो कि चाइना में धमाल कर रही है, उसके बारे में बताया और साथ ही फिल्म बाहुबली 2 के साथ कंपैरिजन पर बात की। दरअसल मुझे बड़ी खुशी है कि दंगल इतनी पसंद की जा रही है चाइना में और दुनिया भर में लोगों ने इतनी पसंद की है, और मुझे लगता नहीं कि किसी दो फिल्मों को कंपेयर करना चाहिए। बाहुबली बहुत ही कामयाब फिल्म है, मैंने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन जिस से मैं मिला हूँ सिर्फ तारीफ ही सुनी मैंने बाहुबली की, तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मेरी तरफ से मुबारकबाद राजा मौली जी को, उनकी पूरी टीम को, और मुझे लगता है कि ये कंपेरिजन हमको नहीं करना चाहिए। बाहुबली या दंगल, दोनों अच्छी फिल्में अपनी अपनी जगह हैं और दोनों फिल्में हिंदुस्तान की फिल्में हैं जो दुनिया भर में झंडा गाड़ रही है। आशा भोसले और फराह खान भी इस स्क्रीनिंग में साथ नजर आई, जहां उन्होंने सचिन के बारे में बात की। एवरीबडी इन द कंट्री वॉन्ट्स टू सी द मूवी। मैं कल वापस आऊंगी मेरे बच्चों को लेकर ये फिल्म देखने उनके क्लास के साथ। सो आज बर्थडे इसलिए मैं भागूंगी वापस जरा। वहीं साडे बिट्टू सिंह, रणवीर सिंह भी अलाउद्दीन खिलजी के लुक में इस प्रीमियर को अटेंड करने पहुंचे। इनके अलावा तनीषा मुखर्जी, सोनू निगम, कबीर खान, आशुतोष गोवारिकर, अर्शद वारसी, डीनो मौर्या, अदिति राव हैदरी और जॉन इब्राहिम भी इस प्रीमियर में सचिन को सपोर्ट करने पहुंचे। कबीर खान भी इस फिल्म को देखकर काफी खुश नजर आए, जहां उन्होंने साथ ही साथ अपनी फिल्म ट्यूबलाइट के ट्रेलर लॉन्च पर भी बात कर ही डाली। कल ट्रेलर दिखाएंगे, फिर अभी क्या बोले आप, तैयार हैं बिल्कुल, सेंसर सर्टिफिकेट हाथ में है, कल दिखाएंगे दोपहर में आपको सब, सलमान, सुहेल, मैं, प्रीतम सब होंगे। मुकेश अंबानी अपनी वाइफ नीता अंबानी के साथ प्रीमियर में शरीक हुए। इनके अलावा इंडियन क्रिकेट टीम से धोनी और विराट ने भी हमसे बात की, जहां उन्होंने सचिन की फिल्म के बारे में बताया। आई थिंक इट्स जस्ट फैंटास्टिक, इट्स स्लाइटली डिफरेंट टू व्हाट ऑल ऑफ अस आर क्वाइट यूज्ड टू वॉचिंग एंड इट्स अ मैन स्पीकिंग, सो
so it's his side of the story, what he felt at different instances throughout his career. And also, Sachin had a very long career. So throughout what he went through, what were the challenges. And it's interesting to get the comments from people that were close to him. इस शानदार प्रीमियर के होस्ट बने सचिन और उनकी फैमिली. मुंबई से शिल्पा दास के साथ तान्या अरोड़ा की रिपोर्ट, E24.